आज हमारे हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है हर क्षेत्र में, संगीत में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जब सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है तो संगीत भी उससे अछूता नहीं रहता है। आज कल्चर, जो कंज्यूमर कल्चर का विकास हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि इंस्टेंट कल्चर आ रहा है। इंस्टेंट हमें खाना चाहिए, इंस्टेंट हमें नाम करना चाहिए, इंस्टेंट हमें स्टेज चाहिए, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है वहाँ इंस्टेंट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ ये व्यवस्था है कि जो जिस रफ्तार में तुमको जाना है, खोज करके, स्ट्रगल करके तब वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पे कोई जल्दी का बात नहीं है, वो अपने कोर्स में चलता है प्रकृति, और उसी कोर्स से सीखा जा सकता है। एक साल में कोई कलाकार नहीं बनता है, बरसों बरसों की तपस्या करनी होती है। आज के कलाकारों को, जो नए कलाकार आ रहे हैं, उनसे हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़े कलाकारों से सीखने की अभिलाषा जागृत करें। दो चार बंदिश जानने से नहीं होता है, जब सैकड़ों बंदिश और सैकड़ों राग का जब जानकारी अंदर होता है, तभी वो आदमी सस्टेन कर पाता है अपने लाइफ में। पुराने जमाने के जो संगीतकार हुए हैं, जिन्होंने 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल वो संगीत जगत में छाए रहे, तो उसके पीछे कुछ कारण रहा। कारण ये था कि उनकी तालीम इतनी पोख्ता थी, इतना मटेरियल था उनके पास कि वो 70 साल तक जमे रहे। और अभी जैसे कुछ कलाकार हैं, पंडित रविशंकर जी जैसे हैं, गुजरने के पहले तक बजाते थे। हमारे पिताजी 86 साल की उम्र में गुजरे हैं और गुजरने के पहले तक संगीत करते थे। पंडित किशन महाराज जी, पंडित शामता प्रसाद, ये तभी पॉसिबल है जब शिष्य गुरु की सेवा में रहे और गुरु के चरणों का ध्यान रखे और गुरु से जितना शिक्षा मिल सके उतना ले, तभी वो इतने साल तक संगीत जगत पे राज कर सकता है या संगीत जगत पे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि आज हमें ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं इसमें, वो प्रिटेंड कर रहे हैं झुकने का जो प्रिटेंशन है वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप झुकना नहीं चाहते किसी के सामने तो मत झुकिए, वो ठीक बात है, लेकिन आप झुकना नहीं भी चाहते हैं और फिर भी झुक रहे हैं, तो उस झुकने से आपको जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। अगर झुकने का मन है तो झुकिए, क्योंकि जहाँ भी आप झुकेंगे वहाँ से आपको मिलेगा। आप पेड़ के सामने झुक जाइए, पेड़ सिखा देगा। आप नदी के सामने झुक जाइए, नदी सिखा देगा। प्रकृति रोज सिखा रही है। एक फूल खिलता है, उसको गौर से अगर आप देखेंगे तो वो फूल सिखाता है कि जीवंत चीज क्या है। मेरा नियति यह है कि सुबह खिलूंगा, शाम को मुरझा जाऊंगा। सूरज के साथ हमारी व्यवस्था है, वो सूरज के साथ अपने को बांधा हुआ है, प्रकृति ने उसको बांधा है, और हर चीज प्रकृति का सिखा रही है। एक पेड़ में इतने सारे ब्रांचेज आपको दिखते हैं। अब अगर सब ब्रांच ये कहे कि मैं अलग हूँ, कैसे हो सकता है? सब जड़ से जुड़े हुए हैं, खाना पीना जो है उनको जड़ से मिल रहा है। तो हम अपनी जड़ों को नहीं भूलें, अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, अपनी विनम्रता को नहीं भूलें, श्रद्धा को नहीं भूलें, बड़ों का इज्जत करना नहीं छोड़ें, तो जो हमें मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यही हम नए कलाकारों से कहना चाहते हैं।